हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो जैसे आपको पता है कि आईएफटी का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि जो आईएफटी है वो कैट स्कोर्स को यूज़ करने वाला है फॉर द सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। एंड आपको इसको कैट से पहले ही भरना है, जो डेडलाइन है दैट इज 22 नवंबर को इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द आईएफटी, ठीक है। कैट इज़ ऑन 24 नवंबर, तो उससे पहले पहले आपको रजिस्टर करना है इसके लिए, राइट। तो क्या फीस है और क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम दो कोर्सेज के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे बात करेंगे, वन इज एमबीए, ठीक है, आईबी इंटरनेशनल बिजनेस, एंड एक अपन बात करेंगे एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम्स के लिए यू हैव टू अप्लाई। तो क्या कैलेंडर है जो रिलीज किया है अभी रिसेंटली एफटी ने, तो दिस इज द कैलेंडर कि 17 अक्टूबर से आपका जो डेट है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फ्रॉम द 17 अक्टूबर से यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। एंड लास्ट डेट जो है दैट इज 22 नवंबर है, मतलब आपको कैट से पहले पहले आपको यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट का डिटेल आएगा दैट इज लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 में यू विल गेट द सेकेंड राउंड के लिए इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। जीडी एंड ऑल जो है फेब मार्च में आपका कंडक्ट होगा इसका, एंड द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज फ्रॉम जून 2025। तो अब आर यू गाइज एलिजिबल, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो क्या आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एंड एवरीथिंग प्लेसमेंट क्या है, शुड यू गो फॉर इट या नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले अपने पास क्या था कि दिस इज़ द कैलेंडर जो कि रिलीज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको अगर अप्लाई करना है तो 22 नवंबर तक यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वट आर द, जो अगर हम पैकेजेस देखते हैं इनके प्लेसमेंट्स पे बात करते हैं, तो एक जो प्लेसमेंट है दिस इज ऑफ द 23 बैच, ठीक है, एक 23 बैच एक 24 बैच का, दोनों का प्लेसमेंट देखते हैं। तो फाइनल प्लेसमेंट ही से अगर हम आइडिया लगाएं कि आप देखोगे यहाँ पे, तो इट हैज़ अ, देखो मीडियन सीटीसी था 26.5 लाख का, ठीक है। एवरेज सीटीसी पे अगर आप बात करोगे तो 29.1 लाख, हाईएस्ट इज 76.5 डोमेस्टिक एंड 85.4 इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी, ठीक है। अब आप यहाँ पे डोमेन वाइज भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उन्होंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में 21% है, प्रोफेशनल सर्विसेज 23% है, आईटी में जो ऑफर दिए हैं स्टूडेंट्स को इस बैच में 17% का है, एंड एवरीथिंग आपको स्लाइड में पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे रहा है, ठीक है। डोमेन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सेल्स मार्केटिंग में सबसे ज्यादा 22%, कंसल्टिंग में 22% प्लेसमेंट्स हुआ है, फाइनेंस में, जनरल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ट्रेड ऑपरेशन, आईटी एनालिटिक्स में, 8%। तो ये जो डेटा है दिस इज ऑफ द 2023 बैच का, जो 2023 बैच आईएफटी का पास आउट हुआ है उसके जो प्लेसमेंट हाईलाइट्स है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो दैट इज 29.1 लाख, हाईएस्ट इंटरनेशनल एंड हाईएस्ट मीडियन डोमेस्टिक सीटीसी यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो टॉप 10% जो बैच है उसका एवरेज सीटीसी आप देख लोगे, टॉप 50% का सीटीसी देख लोगे, टॉप 25% का सीटीसी देख लोगे तो 46.5 लाख। तो लुकिंग एट द फिगर्स, अगर आप प्लेसमेंट फिगर्स को देखोगे तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो आप डेफिनेटली अगर प्लान कर रहे हो आईएफटी के लिए तो ये फिगर्स आप ध्यान में रखो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी जो रिसेंट 24 बैच का प्लेसमेंट हाईलाइट है, दिस इज हेयर। तो अब देखोगे अगर लास्ट ईयर वाले से कंपेयर करो तो देर वर 108 रिक्रूटर्स यहाँ पे हैं, एंड दिस ईयर देखो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स बढ़े हैं, ठीक है, न्यू पार्टनर्स बढ़े हैं, ठीक है, एंड हाईएस्ट स्टिल मेंटेन्ड है, ठीक
है, सीटीसी, मीडियन सीटीसी, एवरेज सीटीसी भी आप देखोगे तो दैट इज मेंटेन, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर 2 साल में आप देखोगे प्रीवियस 2 ईयर्स में, तो कंसिस्टेंटली दे हैव आईएफटी ने जो प्लेसमेंट है वो उसमें कंसिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एवरेज 29 है, इधर भी आपका एवरेज 27.3 है, मीडियन 26 है एंड यहाँ पे मीडियन 25 है, तो लगभग क्या है ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एंड दीज आर द रिक्रूट, ठीक है, कॉरपोरेट एसोसिएशंस, वहाँ पे आप देख सकते हो टॉप रिक्रूटर्स आर देयर। तो ये बात हो गई अपार्ट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ऑफ द कॉलेज, ठीक है। कमिंग ऑन टू द फी स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको पता है कि इट हैज जो करंटली अभी 2 कैंपसेस हैं, दैट इज दिल्ली कोलकाता, ठीक है। 1 कैंपस इज काकीनाड़ा, जो अभी अभी उनका कैंपस बन रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इन दीज 2 कैंपस की, दिल्ली एंड कोलकाता, ठीक है, फॉर आईबी, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस 24-26 प्रोग्राम की दिस इज द फीस। तो यहाँ पे जो दिल्ली कैंपस है दैट इज 21.82 लाख्स, ठीक है, 21.82 लाख्स फॉर द दिल्ली कैंपस, एंड कोलकाता कैंपस के लिए 21.32 लाख्स, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स दोनों में बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स दोनों कैंपसेस में आर सेम, ठीक है। कितनी है सीट्स आगे वी विल डिस्कस। फिर जो आपका बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस 2 प्रोग्राम हमने बोला था ना कि एक एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस है, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स तो इसका फी स्ट्रक्चर है दिस, ठीक है। तो इसमें अराउंड 60 सीट्स हैं आपके पास इन दिल्ली कैंपस में खाली, तो 60 सीट्स इज देयर। तो इसका टोटल फीस विल बी 17 अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख के अराउंड इज द फी, ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सीट्स आप देखोगे 480 सीट्स हैं टोटल इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, 480 सीट्स हैं। 240 सीट्स जो है दे आर इन द कोलकाता कैंपस में है, और सेम नंबर ऑफ सीट्स आपकी कहाँ पर है, दिल्ली वाले कैंपस में भी, दोनों कैंपस में 240 240, तो टोटल मिला के 480 सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कई बार कंफ्यूजन रहता है कि जो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखो वन यू शुड बी हैविंग अ बैचलर्स डिग्री, 3 ईयर्स ड्यूरेशन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क, ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। एंड इफ यू आर इन द फाइनल ईयर तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इफ यू आर इन द फाइनल ईयर एंड आप कैट में अपीयर हो रहे हो तो यू कैन ऑल्सो एड दिस टू योर लिस्ट, क्योंकि अगर आप क्वालिफाइंग कैन ऑल्सो अप्लाई, सब्जेक्ट टू द यू हैव टू प्रोवाइड कि आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर 31, 2025 तक आपको रिजल्ट जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका प्रूफ हो जाना चाहिए बाई अक्टूबर 31, 2025 के तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जैसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, दिस इज फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स के लिए देखो क्या क्राइटेरिया है, कि फॉर दोज पीपल जो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए देख रहे हो तो दे हैव अ क्राइटेरिया कि फॉर इन तीनों में से कोई भी एक फुलफिल हो जाना चाहिए, कि या तो आपके पास अपनी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स और ये आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 5 CGPA वो मांग रहा है। अगर ये नहीं है तो फिर ये वाला कैंडिडेट मस्ट होल्ड बीटेक बीई डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 5 CGPA आपका कम से कम होना चाहिए इफ यू आर बीई बीटेक, ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया है कि बैचलर्स डिग्री है या फिर आपके पास 10+2 लेवल पे जो है मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास मान लो कि ग्रेजुएशन में किसी सेमेस्टर में आपके पास मान लो सपोजिंगली स्टैट्स या मैथमेटिक्स नहीं था, तो उस क्राइटेरिया में अगर आपने 12th लेवल पे आपके पास अगर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे दिया है स्पेसिफिकली दैट अप्लाइड मैथमेटिक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना। तो अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट था वो नहीं कंसिडर होगा, प्योरली मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। तो आइदर आपके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, वो नहीं है तो आपके पास 10th और 12th में एटलीस्ट यू शुड हैव अ मैथ एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड क्या है कि बैचलर्स डिग्री 50%, द स्टूडेंट शुड हैव मैथमेटिक्स स्टैटिक डिग्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो दिस इज फॉर द बिजनेस एनालिटिक। तो बिजनेस एनालिटिक इज ओनली दिल्ली कैंपस में
यू विल सी 60 सीट्स आर देयर फॉर बिजनेस एनालिटिक्स. ठीक है, फिर एप्लीकेशन फीस के ऊपर बात करें कि एप्लीकेशन फीस अगर आप देखोगे तो दैट इज आईबी के लिए 3000 है. ठीक है, अगर आप इसके लिए जा रहे हो एमबीए फॉर बिजनेस एनालिटिक्स तो 2000, एंड फॉर द कैटेगरी के लिए ये है. तो दिस इज द फीस. ठीक है, जो फीस है फॉर द एप्लीकेशन. ठीक है, सो फाइनली दिस इज ऑल अबाउट द कि आईएफटी के लिए. तो लुकिंग एट दीज फिगर्स डेफिनेटली आपको आईएफटी के लिए यू शुड गो फॉर. ठीक है, फी स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, एंड एवरीथिंग वी हैव सीन. अपार्ट फ्रॉम दैट कि इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर कैट 2025 या सम ऑफ योर फ्रेंड्स इज प्लानिंग फॉर 2025, तो यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस बैच. ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द बैच. देर विल बी टिल जीडीपी जीडीपीआई वैट प्रिपरेशन तक ये बैच आपके पास रहेगा, जनवरी 2025 तक. ठीक है, उसके बाद भी तो स्टडी मटेरियल इज इंक्लूडेड, फुल लेंथ मॉक इज इंक्लूडेड, टॉपिक टेस्ट, वन ऑन वन मेंटोरशिप इज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. एंड इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर स्नैप एंड मैट, तो वी हैव लॉन्च द टेस्ट सीरीज. ठीक है, एंड मैट का टेस्ट सीरीज वी हैव लॉन्च, स्नैप का टेस्ट सीरीज वी हैव लॉन्च. ठीक है, जिसमें वी हैव पहला मॉक फ्री है, तो यू कैन गो एंड चेकआउट. इसके लिए गो यूज द वेबसाइट mocks.mba पाठशाला. com/learn. ठीक है, इस लिंक पे जाके यू कैन रजिस्टर एंड देन अपियर फॉर द फ्री मॉक. तो यू विल गेट फ्री मॉक फॉर स्नैप एंड मैट. ठीक है, और कैट का भी आपको फर्स्ट मॉक जो है वहाँ पे फ्री मिलेगा. राइट, तो mocks.mba.com/learn पे जाके आप फ्री मॉक दे सकते हो, एंड मैट का भी एंड स्नैप का भी. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा. इन द इस सीरीज में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जो कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम आईएम्स जो कॉलेजेस अपने नोटिफिकेशंस रिलीज करते जा रहे हैं. तो रिसेंटली अभी आईएफटी का नोटिफिकेशन आया, तो एवरीथिंग अबाउट आईएफटी. तो नाउ यू कैन मेक अ कॉल कि आपको आईएफटी के लिए अप्लाई करना चाहिए और शुड यू नॉट अप्लाई. राइट, सो आने वाले दिनों में और ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेके आएंगे. ठीक है, अबाउट द different colleges. So thanks for watching guys. See you in the next lecture.